ये आपको किसी से ट्रेनिंग लेनी लेनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन आप जो है बहुत ज्यादा टाइम यूज किए थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसके साथ यूज करते थे, इसलिए आपको ट्रेनिंग नहीं। उसी तरह से अगर आप एमएस वर्ड एक्सेल को भी बहुत छेड़ोगे तो बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। आप ये डरो नहीं कि खराब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा या खुद अधिक हो जाएगा, इसकी डरने की जरूरत नहीं है। बस यूज करो उस हिसाब से, इसके दिए ऑप्शन को छेड़छाड़ करो। समझ गए? चलो सर आगे। तो इसमें क्या है कि आप जैसे कि आप फर्स्ट टाइम खोलते हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ये आते हैं, टेम्पलेट आते हैं, इनको छोड़ के यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मतलब कि एकदम सादा कागज अपना खुद का बनाना चाहते हो। ये तो बनाया बनाया फॉर्मेट है ना, आप खुद का बनाना चाहते हो। क्या बोल रहे? ये आ गया था सुनो सर, जोर से बोल रहे हैं, आ गया समय सर ये वाला, आगे बताओ उसके बाद इस, सर ये समझ आ गया। हाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जब हम खोलते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आता है जहां पे हमें टाइपिंग करनी होती है, ठीक है। अब इसमें आपको टाइपिंग करनी है, सबसे पहले जान लीजिए। तो टाइपिंग का रूल क्या है वो समझ लीजिए। जैसे कि ऊपर आपको दिख रहा है रूलर, दिख रहा है ये रूलर, जैसे कि ये यहां पे दिख रहा है इंडेंट, इसको बोलते हैं, और यहाँ पे इसको भी इंडेंट बोलते हैं, मतलब कि आप जो टाइप करोगे इसके और इसके बीच में करोगे, ये जो बाकी जो इधर एरिया बच रहा है उसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन नहीं समझे कि प्रिंट आउट जब निकालते हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे छूट जाता है ना, जैसे कोई बहुत सारे फॉर्म वगैरह या पेज प्रिंट आउट का पेज वगैरह देखा होगा तो लेफ्ट से छोटा होता है, उसी को मार्जिन बोलते हैं। बस आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है। टाइपिंग करने से पहले आप अपना फॉन्ट वगैरह यहां से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूं, ठीक है, या मैं एक कुछ ऐसा चीज लिखना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैं एजुकेशन पे एक शॉर्ट नोट लिखना चाहता हूं, समझ गए? तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल। तो यहां पे मैंने लिख दिया द एजुकेशन। अब चलो देखो आगे बता रहा हूँ सर, क्या आगे आगे बता नहीं दीजिए, आगे समझ। समझा रहे हैं, समझिए तो सही। मैं आपको टाइप करना सिखा रहा हूं कि कैसे टाइप करेंगे, टाइप करने का रूल समझा रहा हूं। जो समझाया नहीं, समझाने से पहले आपको आ गया। अच्छा समझिए समझिए, पहले समझिए, पूरा चीज को समझिए। जैसे कि टाइप करने का रूल होता है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा द, तो आपको जैसे लिखा है उतना लिखना है। अब जैसे कि यहां पे देखिए कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसका अच्छा व्यू बड़ा करता हूं, या नीचे जो होता है ना इसका ये होता है व्यू होता है, जूम करना होता है नीचे से, तो मैं इसको जूम करता हूं ताकि आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा द, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको, हमने द एजुकेशन। अब कैपिटल लेटर को बड़ा लिखने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ उस लेटर को लिखेंगे, समझे, शिफ्ट की के साथ लिखेंगे। अब मैंने द एजुकेशन लिखा, अब द एजुकेशन क्या है, हमारा आर्टिकल का टाइटल है, तो टाइटल हमेशा बीच में होता है, सेंटर में होता है। सेंटर में कैसे आएगा, तो आप क्या करें माउस से क्लिक करते हुए इसको सिलेक्ट करें और इसको यहां दिख रहा है आपको सेंटर, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई, इस पे क्लिक करेंगे तो सेंट्रल में आ जाएगा, अच्छा समझ गए। अब इसको बोल्ड भी होना चाहिए, यहां दिख रहा है बोल्ड, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी, इसको बोल्ड कर दीजिए, और अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसमें एक चीज देखिए कि ये एक लाइनिंग सी दिख रही है, जब भी आप कुछ टाइप करोगे तो एक ब्लू कलर की और दूसरा रेड कलर की लाइनिंग शो होती है कभी कभी। रेड कलर की लाइनिंग कब होती है, जब आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पे मैं अपना नाम लिखता हूं सुजीत, तो ये नहीं सुबह मतलब सुजीत,
SUJET सुजीत कुमार, ये लाइन हुआ क्योंकि मैंने इसको ऐड कर रखा है, सिंह ऐड भी किया हुआ है तो अनलाइन आ गया ना। तो एक कंप्यूटर बता रहा है कि इस नाम का वर्ड उसके डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन यहां पे ब्लू कलर का निशान है, इसको बोलते हैं ग्रामिकली मिस्टेक। ये बता रहा है कि जो आपने लिखा है वो ग्रामिकली मिस्टेक है। जब इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि क्या मिस्टेक है। तो आप देख रहे हैं कि द एजुकेशन ऊपर भी लिखा है, द एजुकेशन नीचे भी लिखा है, तो भी गलती कहाँ है? गलती है स्पेस, मैंने दो स्पेस डाल रखे हैं। तो आप इससे राइट क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे सिंह हुआ तो सिंह यहां पे देखिए दिखा रहा है कि सिंह ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह के रेड निशान जो है आप, कैपिटल हाँ कैपिटल में होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल उसके अंदर ऐड है। क्या होता है कि जैसे सिटी नेम हो गया, किसी पर्सन का नेम हो गया, या किसी वस्तु का नेम हो गया, नाम जो होता है उस पर रेड दिखाएगा, क्योंकि नाम तो ऐड नहीं कर सकता डिक्शनरी में ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे बहुत सारे नेम है जिसके आप बराबर यूज करते हो तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं, तो ऐड हो जाता है ताकि बार बार रेड कलर ना दिखे। तो टाइटल्स को हमने सेंटर किया, हमने बोल्ड किया, हमने अंडरलाइन किया, समझ गए? अब बात होती है इसकी साइज, क्योंकि टाइटल जब भी हम लिखते हैं हमारे पैराग्राफ के साइज से उसकी साइज ज्यादा होना चाहिए। साइज कौन सी? फॉन्ट की साइज, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, सर रूलर कैसे आता है, ये जो आता है ऊपर क्या रूलर लाना हो तो जो रूलर अगर आपके पास रूलर होता है। है तो आप आइए व्यू के अंदर, ठीक है ना। व्यू के अंदर यहां पे आपको दिख रहा है रूलर, अच्छा तो जैसे व्यू से रिलेटेड जो भी चीजें है वो व्यू में मिलेगा। ग्रिड लाइन हो गया, नेविगेटर पेन हो गया, ये सब चीजें यहीं से मिलेगी आपको। देखिए जो ये आपके जो टॉपिक है ना, पहले बात जान लीजिए कौन सा फंक्शंस, कौन सा कमांड किस मेनू बार में मिलेगा, इसके लिए एक एक फॉर्मूला है इसका। वो जो चीज आप करने जा रहे हैं वो किसको इफेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से कैटेगरी। जैसे होम में बात करें तो होम के अंदर है मोस्ट यूज्ड चीज, जैसे कि कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग करना, अलाइनमेंट करना, ये सब चीजें जो है जो कि जनरली हम टाइप करते समय मोस्ट यूज करते हैं, इसलिए इसमें डाला गया है, होम में अंदर डाला गया है। कोई बाहर की चीजें ऐड करना, इंसर्ट, वो इंसर्ट में जैसे पिक्चर ऐड करना, टेबल ऐड करना, किसी स्टोर से ऐप लेना, वीडियो डालना, कमेंट डालना, हिडर फुटर डालना, जो चीज इंसर्ट करने का जिससे पता चलता है कि कुछ चीज इंसर्ट होने वाला है वो इंसर्ट कमांड में आएगा। डिजाइन, डिजाइन कमांड में क्या होगा, जैसे कि आपको उसकी डिजाइन चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे देखें ना अलग अलग दिख रहा है आपको ना टाइटल्स है, तो उसके लिए होता है। लेआउट मतलब जो आपका जो पेज है उसको सेट करना चाहते हैं, दैट कॉल लेआउट के अंदर आएगा। रेफरेंसेस मतलब किस वर्ड के अलावा कोई और चीज से कुछ हेल्प लेना चाहते हो तो रेफरेंसेस में आएगा। मेलिंग, मेल सिंबल लेटर वेटर के बारे में कुछ करना है तो इसमें आएगा। रिव्यू, फाइल से रिलेटेड रिसर्च करना है हमें, जैसे कि हमें स्पेलिंग चेक करनी है, हमें थीसिस को देखना है, हमें वर्ड को काउंट करना है, वो रिव्यू के अंदर आता है। और जो वर्ड का एप्लीकेशन है, वर्ड उस वर्ड की जो एप्लीकेशन की जो व्यू हो रही है, मतलब जो सॉफ्टवेयर का जो देखने का नजरिया है वो आपको चेंज करना है तो व्यू के अंदर में कमांड। तो आपने बोला रूलर, तो रूलर क्या है? रूलर हमारा सॉफ्टवेयर का व्यू चेंज कर रहा है, इसलिए हमेशा वो व्यू में मिलेगा। समझ गए तरुण शर्मा जी? तरुण शर्मा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? तरुण जी मैं आपको नहीं सुन रहा हूं। हेलो हाँ अब आ रही है सर, समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू बार में मिलेगा, कैसे आइडिया लगाओगे? ठीक है, अब चलिए। तो हमने टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के बाद अब बहुत सारे लोग टाइटल लिखने के बाद एंटर मार देते हैं नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आप डबल क्लिक,
क्योंकि अभी यहां पे जो मैं लिखने वाला हूं इसकी साइज जो है यहां से बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो कि मैंने इसको सेलेक्ट करके इसका साइज भी बढ़ा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से एंटर मारूंगा नीचे की तरफ तो ये इसी के अकॉर्डिंग आएगा, वो भी उसको टाइटल का सब टाइटल समझेगा, समझे? इसलिए कभी भी टाइटल लिख के आप एंटर प्रेस नहीं कीजिएगा। तो कैसे, अगर मान लो पैराग्राफ लिखना है तो आपको यहां पे डबल क्लिक कीजिए और लिखना है, जहां से शुरू करना है वहां पे डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखना चाहता शुरू करता हूं कि कुछ लिख रहा हूं कि एजुकेशन इज द रोड दैट मेरे से थोड़ा सा टाइपिंग की, मेरा टाइपिंग का कोई मेरा प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैं टाइप बहुत कम करता हूं, इसलिए हुआ। अब यहां से मुझे नीचे लाइन एंटर मारना है, क्यों? क्योंकि एंटर कब मारेंगे, जब आपको पैराग्राफ चेंज करना है। लाइन नीचे लिखनी है उसके लिए एंटर नहीं मारेंगे, आप लिखते चले जाइए वो ऑटोमेटिकली लाइन नीचे आता चला जाएगा। ठीक है ना, लाइन स्पेसिंग हो गया ना उनसे। हाँ। पैराग्राफ जब इंटर कब मारेंगे, जब पैराग्राफ चेंज करना हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि यहाँ पे मान लीजिए दूसरी लाइन में लिखना है, लाइन में यहाँ पूरा हो गया, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ आ गया, पूरा आ गया, तो एंटर मार रहे थे, नहीं वो एंटर नीचे अपने आप आ जाएगा, आप लिखते चले जाइए। सिर्फ एंटर कब मारना है, जब आपको पैराग्राफ चेंज करना हो। नॉट गेट ए, तो आप जो है अपने पास न्यूज़पेपर उठा लें या कुछ चीजें है जो भी है बुक्स उठा लें और कुछ टाइपिंग करने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा इसको टाइपिंग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि उतने ज्यादा चीजें इसके अंदर आएंगे। और फिर उस टाइपिंग को आप जो आपने टाइप किया है डेटा उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करने का और बाकी चीज करने के कुछ, देखे यहाँ पे देखा ना मैंने एंटर नहीं मारा, अब जैसे यहां मेरा पूरा हो चुका है, आप बोलो कि यहां तक जाएगा, नहीं, क्योंकि रूलर जो है हमारा वो यहीं तक अलाउ कर रहा है, तो इसके आगे जैसे मैं कुछ लिखा तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखा डेवलप, तो आपको एंटर मारने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं डॉट लगाया यहाँ पे, डॉट लगाया ना, डॉट लगा के अब जैसे कि मुझे यहाँ पे टू लिखना है तो कैप्स में टू लिखने की जरूरत नहीं है, आप टू और स्मॉल में लिखिए, जैसे स्पेस मारोगे अपने आप वर्ड जो है इसको टी को बड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले डॉट टू लगा हुआ है, तो जैसे डॉट के बाद लिखोगे कोई वर्ड लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली एक्सेल जो आपका वर्ड है वो बड़ा कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, उधर रही तू, कोई फोन नहीं है। हेलो प्लीज म्यूट हेलो, कर लीजिए, शोर आ रहा है, आंटी का आवाज आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको टाइपिंग करेंगे कौन बोल और रहे हैं? टाइप करते चले जाए, और मान लीजिए टाइप में कोई गलती हो गई तो
तो आप रुके नहीं, बाद में हम स्पेल चेक करके उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपने गलती पता चले ठीक है, लेकिन बार बार रीचेक करने की जरूरत नहीं कि आपने क्या लिखा, उससे आपका टाइपिंग का स्पीड और आपको, जैसे मैंने देखो गलती कर दिया ना एजुकेशन में, ठीक है ना, तो आपने मेरा कर नाम दिया है। राइट क्लिक करके, हाँ एजुकेशन कर देता हूँ, चेंज कर देगा, ठीक है। देखो हाँ जी बताइए। आपके थैंक ये हमने पूरा कर दिया, मान लीजिए इतना ही रहते देते, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये ऊपर हमारा अलग पैराग्राफ हुआ। अब देखिए लाइफ के बाद हमने डॉट नहीं डाला, डालना चाहिए था, इसे एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए लर्निंग के बाद यहाँ ब्लू कलर का निशान आ गया, क्योंकि हमने जो कॉमा डाला है उसमें स्पेस डाल दिया, तो ये ग्रामेटिकली मिस्टेक बता रहा है, समझे। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने टाइप तो कर लिया, तो टाइप करने से पहले ही आप फॉन्ट और साइज के बारे में ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन पहले ही जैसे मुझे यहाँ यहाँ टाइप करना है कुछ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया, टाइप यहाँ पे टाइप करना है, इंटर मारता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ टाइप करने से पहले ही अपना फॉन्ट, अपना साइज, बोल्ड करना है कि नहीं करना है, हम पहले डिसाइड कर लें, ताकि टाइप करेंगे तो उसी फॉन्ट में टाइप होगा। लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया है, तो आप जो है माउस से क्लिक करते हुए इसको ऊपर की तरफ ले जाइए, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट करके भी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो सिलेक्ट करके ना, कि फॉर्मेटिंग का फायदा क्या होता है कि जितना आपने लिखा हुआ वर्ड सिलेक्ट किया है, लाइन सिलेक्ट किया है, फॉर्मेटिंग उसी के ऊपर अप्लाई होगा, बाकी चीजों पे अप्लाई नहीं होगा, समझ गए। तो फॉर्मेटिंग में जो है दो चीजें हैं, एक तो आपकी अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन दूसरा यहाँ पे स्टाइल होता है, मतलब कि बनी बनाई फॉर्मेटिंग होता है, आप अपने हिसाब से उस फॉर्मेटिंग को चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें की फॉर्मेटिंग आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है, तो आप इसको ले लीजिए, अगर नहीं कर रहा है तो आप चाहते मैनुअल फॉर्मेटिंग करना, तो आप इसके लिए मैनुअल फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के कई सारे पार्ट है, पहला फॉन्ट। प्लीज शांत जगह में बैठिए ना, पीछे से काफी ज्यादा शोर आता है तरुण शर्मा जी। तो यहां पे जैसे हम सिलेक्ट किया, तो फॉन्ट के कई चरण हैं, जैसे कि यहां पे आपके पास फॉन्ट है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ में जैसे कि आप सीक्वेंस नंबर देना, पैराग्राफ के भी कई पार्ट है, अलाइनमेंट है, इंडेंट है। अलाइनमेंट पहले बात जान करते हैं, अलाइनमेंट मतलब कि आपका जो है ना लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा हुआ, अगर मैं अलाइनमेंट में इसको सिलेक्ट करूं तो ये होगा राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। सेंटर करूंगा तो सेंटर से लिखना स्टार्ट करेगा, तो ये हमेशा मोस्टली हम लेफ्ट से लेते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं यहां जस्टिफाई लें। जस्टिफाइंग का फायदा क्या होता है, जैसे कि यहां हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो देखिए कि पहली लाइन यहां तक गई है और दूसरा लाइन छोटी है, क्यों छोटी है, क्योंकि क्लासरूम का जो वर्ड है वो ये वर्ड यहाँ इतने जगह में फिट नहीं हो सकता था, इसलिए ऑटोमेटिकली एक्सेल ने, इसने वर्ड ने क्या किया, तोड़ के नीचे कर दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि लाइन पूरा बराबर रहे, उस केस में हम जस्टिफाई यूज करते हैं। तो जस्टिफाई में क्या होता है कि अपने अंदर कुछ ऐसे स्पेसेस डाल देते हैं जिससे दोनों के दोनों लाइन बराबर हो जाते हैं। तो जैसे पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में कि आपका ये लाइन बराबर होता है, क्योंकि वो जस्टिफाई किया गया होता है, समझ गए। अब बात करते हैं बोल्ड का यूज कहाँ करते हैं और अंडरलाइन यूज कहाँ करते हैं।
बोल्ड का यूज हमेशा टाइटल में होता है, टाइटल ऑफ पैराग्राफ जैसे टाइटल होता है उसमें होता है, या बुलेट्स में होता है। जैसे किताब वगैरह आप देखते होंगे तो उसमें जैसे कि कोई बताया गया, जैसे मान लीजिए बताया गया मेटल के बारे में, तो मेटल वर्ड बोल्ड होगा, बाकी वर्ड जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, अंडरलाइन कहाँ होता है, जो टॉप ऑफ द, हर जगह पे अंडरलाइन नहीं करते हैं, अंडरलाइन हम करते हैं जो हमारा मेन आर्टिकल है उसको अंडरलाइन करते हैं, और बोल्ड बाकियों के नीचे को भी हम कर सकते हैं। तो ये सब टाइपिंग के रूल्स होते हैं, उस रूल्स को जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। दूसरा, जब आप टाइप कर रहे होते हो तो नीचे देखिए आपको कुछ शो करता है, शो करता है कि कितना पेज है और कितना वर्ड है। ठीक है, तो यहां दिखा रहा है कि हमारे पास वर्ड जो है वो वर्ड 53 है और पेज 1 है। अब राइट क्लिक करेंगे तो इसमें और भी चीजें होती है कि आपको क्या क्या शो करना है, इन सब चीजों के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल इसको आप इसको इग्नोर कीजिए फिलहाल, ठीक है, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको पैराग्राफ टाइप करना है, समझे? तो आप न्यूज़पेपर, बुक या कोई भी ऐसा चीज उठाइए और मुझे कम से कम 10 पेज टाइप करके कल तक मेल कीजिए, और मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहूंगा, मुझे कल तक आपसे 10 पेज की टाइपिंग चाहिए। ठीक ठीक है ना? और टाइपिंग वो आप अपने पास नोटपैड भी रखिए, टाइप करते समय क्या टाइप करने में या क्या चीज को सही करने में आपके साथ प्रॉब्लम हुआ वो भी मुझे पूछिए कि सर टाइप करते समय मैंने ये चीज का प्रॉब्लम फेस किया, और इसको कहीं पे लिखना है डायरी में। आप टाइप करते समय अपने साथ एक डायरी भी रखेंगे और जहां पर प्रॉब्लम होगा उसको आप नोट करेंगे। और उससे उसको हमें अगली कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप मुझसे पूछेंगे कि सर मुझे टाइपिंग में प्रॉब्लम है, जब मुझे फाइल मेल करेंगे आप मुझे मेरे मेल आईडी पे, तो फिर आप से मैं आप बोलेंगे कि सर मुझे यहाँ यहाँ पे दिक्कत हुआ है। ठीक है, पूछना सर से।